महिलाओं को उस टाइम पे सबसे ज्यादा डर लगना शुरू होता है जब उनका मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज का मतलब है कि हमेशा के लिए जो पीरियड्स हैं वो आने बंद हो जाते हैं, यानी कि अब के बाद पीरियड्स नहीं आएंगे। सबसे बड़ा डर यही होता है और कंफ्यूज हो जाती हैं औरतें कि उनको पता नहीं चलता कि ये मेनोपॉज हो चुका है। वो डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर से दवाइयां लिखवाते हैं या फिर डॉक्टर से सलाह लेती हैं। जब डॉक्टर उनको बताता है कि आपको मेनोपॉज हो सकता है तो फिर उसे पूछते हैं कि मेनोपॉज होता क्या है, तो डॉक्टर उसको डिटेल में बताता है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करें कि मेनोपॉज आखिर 40 से 50 साल के बाद क्यों होता है, क्यों महिलाओं के अंदर जो एग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिस प्रकार एक इंसान के अंदर 1.5 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक स्पर्म होते हैं, वो भी पर एमएल के हिसाब से हर दिन बनते हैं, और महिलाओं के अंदर 40 से 50 साल के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी कि दोबारा नहीं बनते, और इंसान के अंदर जो इंसान होता है, आदमी होता है, उसके अंदर लगभग सारी उम्र तक जो स्पर्म है वो बनते रहते हैं। आपको बता देता हूं कि महिला के अंदर क्या होता है कि जिंदगी में सिर्फ एक बार ही उसको एग मिलते हैं, सिर्फ एक बार मिलते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जब बच्ची पेट में होती है, 20 हफ्ते की होती है, 20 हफ्ते सिर्फ, तो उसके अंदर जो एग होते हैं वो 60 से 70 लाख होते हैं, और जब उसका जन्म होता है जन्म के टाइम पे सिर्फ 10 से 20 लाख ही बचते हैं, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। और जब वो बच्ची जवान हो जाती है, यानी कि पहली बार जब उसके पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम पे उसके जो एग हैं वो 2.5 लाख से 5 लाख ही बचते हैं, यानी कि 75% जो एग हैं वो खत्म हो जाते हैं 10 से 15 साल के बीच में। और एक बात और बता देता हूं, जब तक बच्ची जवान नहीं होती, यानी कि पहली बार पीरियड्स नहीं आते, उससे पहले हर महीने 10,000 जो एग हैं वो अपने आप खत्म होते रहते हैं। एग क्यों खत्म होते, कैसे खत्म होते हैं, चाहे आप कोई दवाई खाओ, चाहे आप प्रेग्नेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जो एग है वो कंटिन्यूसली खत्म होते रहते हैं, ये एक प्रोसेस होती है। और जब कोई औरत, कोई लड़की जब 30 साल की हो जाती है, तो उस टाइम पे लगभग 90% जो एग हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो लड़की 40 साल की हो जाती है, जो औरत 40 साल की हो जाती है, उसके अंदर लगभग 97% जो एग हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ 30,000 से 50,000 एग उसके अंदर बसते हैं। और जब मेनोपॉज का टाइम आता है, यानी कि जब जिंदगी भर के लिए इसे छुटकारा मिलता है कि आज के बाद हमारे पीरियड्स नहीं आएंगे, तो उस टाइम पे सिर्फ उसके अंदर 1,000 एग होते हैं, यानी कि मेनोपॉज के टाइम। देखो, जब मेनोपॉज होता है, मेंसेस रुकते हैं, पीरियड्स रुकते हैं, वो 3 स्टेज होती है, प्री मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स रुकने से पहले का टाइम, एक मेनोपॉज का टाइम, और एक मेनोपॉज होने के बाद का टाइम, यानी कि पीरियड्स रुकने के बाद का टाइम। जो प्री मेनोपॉज होता है, यानी कि पीरियड्स रुकने से पहले क्या लक्षण आएंगे, कभी तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि कभी आगे कभी नहीं आए, या फिर आगे तो एक हफ्ता लेट आगे, जल्दी आगे, ऐसा होता रहे। कई बार तो क्या होता है, 1-2 महीना मिस भी होता है, 2 महीने के लिए मिस भी हो जाते हैं। यह है प्री मेनोपॉज की स्टेज। इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है मेनोपॉज वाली। अगर लगातार 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि मेनोपॉज हो चुका है। उस टाइम पे क्या होएगा, उस टाइम पे इरिटेशन होएगी, सिर में दर्द होएगा, योनि में सूखापन रह सकता है, ब्रेस्ट में आपके दर्द रह सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, और क्या होएगा, रात को पसीना आ सकता है, नींद नहीं आती, तो स्ट्रेस हो जाती है, तो ये सारे लक्षण इसमें आने शुरू होते हैं। और जो पोस्ट मेनोपॉज होता है उसके अंदर भी काफी बीमारियां आने का डर होता है, जैसे ऑस्टियोपोस्टिक की बीमारी होती है, जो जोड़ दर्द से रिलेटेड होती है, हड्डियों से रिलेटेड होती है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। और इसके बाद क्या होता है कि जो योनि होती है उसमें सूखापन आता है, कि संबंध बनाने की जो इच्छा है वो लगभग खत्म हो जाती है, तो ये लक्षण पोस्ट मेनोपॉज में आने स्टार्ट होते हैं। अब कैसे पता करें कि हमारे अंदर मेनोपॉज आ चुका है कि नहीं आ चुका है,
तो इसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं उनका लेवल काफी लो चला जाता है। अगर ये टेस्ट नहीं करवाते हैं तो एक कंफर्म्ड टेस्ट है जिसका नाम है FSH फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन। अगर ये टेस्ट आप करवाते हैं अगर इसका लेवल 30 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब मेनोपॉज हो चुका है, यानी कि होने लग रहा है। अगर आपका 70 से 90 के बीच में अगर FSH का लेवल आता है इसका मतलब है कि मेनोपॉज हो चुका। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।